चैनल आज दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ फिर से कीवेस्ट Q30 मैथ डिटेक्टर जो कि मेड इन USA का है। और दोस्तों इसमें आपको 2 साल वारंटी मिलेगा। और आज मैं जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको Q30 मैथ डिटेक्टर यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने जो है इस मशीन का अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देख रखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पर दोस्तों, इस मशीन का आप जो है अनबॉक्सिंग का वीडियो देख लीजिए। और जो है अगर आप जो है इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो मेरे पास हमेशा रेडी रहता है स्टॉक में, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अपने ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहता हूं कि Q30 मेटल डिटेक्टर में क्या क्या फंक्शन आपको मिलेंगे। ये दोस्तों इसका जो प्राइस है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि क्या रेट क्या है। और सस्ते प्राइस में जो है आपको सबसे अच्छी मशीन मिल रही है। इसमें सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि अगर आप जो है चाह रहे हैं कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि हर तरह के जमीन पे आसानी से यूज कर सके और वाटरप्रूफ मशीन हो, तो आप देख सकते हैं वाटर हाई परफॉर्मेंस मेटल डिटेक्टर वाटरप्रूफ है। ये 2020 में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों इंडिया में सिर्फ मेरे पास यानी लूप टेक्नो सिस्टम के पास ही मिल पाएगा। और ये 14 kHz की फ्रिक्वेंसी पे यह मशीन वर्क करता है। और इसका जो मतलब की ये सर्च मोड जो होता है 4 मोड होता है, जैसा कि पार्क, फील्ड, बीच और गोल, ठीक है दोस्तों। ये सब इसमें मोड है, 4 मोड होता है, आप जिस मोड में चाहें आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं। और इस मशीन के साथ जो कॉइल आपको मिलेगी दोस्तों वो होगा 11 इंची का कॉइल होता है। अगर आप इन फ्यूचर जो है कुछ लोग मेरे से कहते हैं सर इसमें क्या बड़ी कॉइल लग सकती है, तो जी हाँ दोस्तों इस मशीन में आपको बड़ी कॉइल लग जाएगी। जैसे आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि मुझे ज्यादा डेप्थ हो चाहिए, ज्यादा गहराई तक मुझे सर्च करना है, तो दोस्तों इस मशीन में आपको ये फंक्शन मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 9.5 इंची कॉइल है और एक है 11 इंची की, जो कि 11 इंची कॉइल मशीन के साथ आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 13 इंची कॉइल है, ये ऑप्शनल होता है, और 15 इंची कॉइल ये भी ऑप्शनल होता है, और 11 इंची कॉइल ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। मशीन के साथ सिर्फ ओनली एक कॉइल आता है, ओनली वन कॉइल आता है जो कि 11 इंची होता है। तो अगर आपको ज्यादा गहराई के लिए सर्च करनी है तो दोस्तों आपको बड़ी कॉइलों की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है ले सकते हैं, लूप टेक्नो सिस्टम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ये सब तो एसेसरीज है, मतलब की आप चाहें तो ये ऑप्शनल होता है, खरीद सकते हैं, ऑर्डर पे हम आपको मंगा करके दे सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि ये रिचार्जेबल मशीन है। आपके पास अगर आप पावर बैंक हो तो आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे लंबे टूर पर जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफी बेनिफिट रहता है। मैग्नेटिक चार्जर होता है, हेडफोन भी आपको कंपनी जो है दे रही है, और ये कंपनी का आप देख सकते हैं मेड इन USA का है, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ इसमें है, आपको मैं अच्छे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप इसका सीरियल नंबर है। तो दोस्तों अब मैं जो है आपको दिखाने वाला हूँ कि Q30 कैसे यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो फाइनली जो है अब मैं आपको डिस्प्ले की तरफ लाया हूँ। अब मैं मशीन को सबसे पहले ऑन करता हूँ। ये और जो सेटिंग का बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से जो है ऑन भी होता है और यहीं से ऑफ भी होता है मशीन। अभी क्या है कि हम पार्क मोड में हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पार्क लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी मैंने जो है 60 पे कर रखा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो बटन है, नीचे का बटन जो है बना हुआ है, इसे जो है दबा करके आप मोड को चेंज कर सकते हैं। फील्ड हो गया, ठीक है, पार्क हो गया, जैसे बेट या साल्ट, गीला जमीन होता है नदी किनारे तो आप बीच का फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद AU, मतलब कि AU मतलब गोल्ड, जहां पर पहाड़ी एरिया होता है, जहां पर पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहां के लिए जो AU मोड है ये आपको यूज करना होगा। गोल्ड ID 1 लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब AU 2 पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों,
हमें यूज करना है पार्क मोड पे, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, वहां कूड़े कचड़े ज्यादा होते हैं तो जो है उस चीज को ऑफ कर रखता है। देखिए जैसे मैं AU2 पे यूज कर रहा हूँ, हमारे पास ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन का साउंड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पे हमारे पास आप देख सकते हैं ये है तांबा है, इसका सिग्नल देखिए कैसे साउंड आ रहा है, और ये पीतल है, ठीक है। जो है ये हमारे पास जो है तांबे का मेटल है बॉटल, ठीक है। आप सिग्नल देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, जैसे ये देखिए स्टेपलर है, ये लोहे का है, ठीक है, लोहे का साउंड ही अलग आएगा, तो इससे आप जो है आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो है AU फंक्शन, इसमें मैंने जो है यूज कर रखा हूँ। अब मैं सबसे पहले जो है हमें मशीन जब हम ऑन करते हैं तो पार्क वाले मोड पे ही हमें यूज करना है। अब पार्क वाले मोड में देखिए, अगर मैं चाहूँ सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये है डिस्क लेवल सेंसिटिविटी जो है डिस्क्रिमिनेशन मोड का है, ठीक है। अभी क्या है सेंसिटिविटी जो है मैं 60 पर ही कर रखा हूँ, तो आप चाहे इसे बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आप, मैं हाई कर देता हूँ तो हाई हो गया, ठीक है। लेकिन हम कमरे के अंदर यूज कर रहा हूँ तो कमरे के अंदर फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा नहीं बढ़ानी है, मैं 60 पर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्क वाले मोड पे मैं यूज कर रहा हूँ। पार्क वाले मोड पे आप देख सकते हैं जैसे मैं आयरन लगा रहा हूँ प्लस, मशीन बिल्कुल साउंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी जगह कोई नॉन फेंस मेटल लगाता हूँ, ये देखिए तांबा है, इसमें परफेक्ट साउंड दे रहा है मशीन और सिग्नल भी अच्छा आएगा। इसकी जगह मैं कोई भी मेटल लगाता हूँ नॉन फेरस, वो सभी पे आवाज करेगा, लेकिन ये स्टेपलर पिन देखिए लोहा है, लोहे पे बिल्कुल साउंड नहीं करेगा। अब ये देखिए पीतल है और ये बोटल है, ठीक है, ये सब नॉन फेरस मेटल है, गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज ये सब होते हैं नॉन फेरस मेटल। तो दोस्तों ये तो हो गया पार्क का मोड, ठीक है। अब ये है फील्ड, ठीक है। अब फील्ड वन फील्ड टू भी आता है, इसमें फंक्शन होता है। अब मैं फील्ड पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि खेत वगैरह में आपको सर्च करना है, ठीक है, ठीक। ये देखिए फील्ड में आप यूज करते हैं तो आयरन का साउंड आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि मशीन बहुत ज्यादा आवाज कर रही है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है कि हम कमरे के अंदर हैं दोस्तों, इसलिए ज्यादा मशीन साउंड कर रहा है फील्ड वाले मोड पर। जो मेटल का सिग्नल होगा वो बिल्कुल साउंड साफ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये रूम के अंदर है तो आसपास बहुत सारा मेटल होता है तो मशीन साउंड करता है। अब ये देखिए जैसे बीच वगैरह में आपको सर्च करना हो तो बीच में आप सर्च कर सकते हैं नदी किनारे, ये है नॉन फेरस मेटल, इसका देखिए लोहा है, लोहे को बिल्कुल जो है ऑफ कर रखा हूं, ठीक है। बीच में जब अगर आप बीच हंटिंग करते हैं तो लोहा वगैरह कुछ नहीं बताता, वो सब बंद हो जाता है, ओनली नॉन फेरस मेटल, ठीक है, उसी चीज को ही ये बताता है। बाकी और ये इसमें जो है ये जो फोर्थ मॉडल है गोल्ड का, जैसे पहाड़ी एरिया में आप हैं तो आपको ये मोड यूज करना होगा, ये होता है आल पावर, ठीक है। अब देखिए आयरन भी साउंड करेगा, सभी का साउंड आएगा एक ही जैसा, तो बिल्कुल इजी मशीन है। यहां से आप चाहें तो ये डिस्प्ले लाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक लाइट, ठीक है, आप चाहे रात में जो है एक जो डिस्प्ले है जला सकते हैं, आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, जितना चाहे कम ज्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्यून का है इसे माइनस प्लस जितना चाहे आप अपने हिसाब से कम ज्यादा, यहाँ पास में बटन होती है तो कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आवाज साउंड जो है कम हो गया,
साउंड मतलब बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मशीन है। और टारगेट आईडी कोई भी मेटल होगा तो बताता ही रहता है सब पे। तो अगर आप कमरे के अंदर मशीन को चला रहे हैं तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो है आप पार्क वाला मोड आप यूज करिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि कमरे के अंदर देखिए ये कंफर्टेबल है, आवाज भी नहीं कर रहा है। ये है पिन पॉइंट का ऑप्शन है, जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं हमें नहीं पता चलता मिट्टी में, तो वो चीज आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप चाहे तो डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे ही मशीन आवाज करेगी। ये देखिए हटा देता हूँ, इसकी साउंड कैसे आ रही है, पिन पॉइंट दबा देता हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर साउंड मशीन करेगा, ठीक है दोस्तों। और यहां से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। मैं इसमें दिखाना चाहता हूं आपको, ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक चार्जर इसमें लगता है, और यहां से आप चाहें तो जो है इस मशीन को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से चार्जिंग होता है, चार्जिंग केबल लगता है, और यहीं से हेडफोन लगता है, दोनों चीज यहीं से होता है। और आप दोस्तों इसे चाहें तो जितना चाहें आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा। ये देखिए मैंने इसे छोटा कर दिया, ठीक है। ये भी जो है आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितना जैसे चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।